नमस्कार, जीत समाचार में आपका स्वागत है। शिवसेना पंजाब को उस समय भारी समर्थन मिला जब शिवसेना हिंद एवं पंजाब के कई अन्य शिवसेना संगठनों के कार्यकर्ता शिवसेना पंजाब में शामिल हुए। लुधियाना में हुई एक विशेष मीटिंग के दौरान शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय संचालक संजीव घनौली एवं राजीव टंडन के नेतृत्व में लुधियाना में हिंदुत्व का मुद्दा एवं आवाज उठाने वाले जांबाज निर्भय युवा नेता अमित अरोड़ा एवं संदीप वर्मा एवं अन्य शिवसेना के नेता जय बम भोले के जय घोष के साथ शिवसेना पंजाब में शामिल हुई। इस मीटिंग के दौरान जहां संजीव घनौली एवं शिवसेना के नेताओं का शिवसेना पंजाब में शामिल होने पर स्वागत किया गया, वहीं उन्होंने शिवसेना पंजाब के द्वारा पंजाब के हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी हर समय इन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रण लिया। शिवसेना पंजाब दे विच अज सानूं बड़ी सफलता मिली है। कई हिंदू संगठन के लोग शिवसेना हिंद होर हिंदू संगठन के लोग अज शिवसेना के पंजाब विच शामिल होए ने। असी उन्हां दा तह दिलों शिवसेना पंजाब की पूरी टीम वालों धन्यवाद करते हैं, उन्हां दा स्वागत करते हैं ते उन्हां नूं विश्वास दिलाने हैं भी उन्हां दा मान सम्मान पार्टी के विच पूरा बरकरार रखा जाएगा। अलग अलग जो हिंदू संगठन अलग अलग हुए थे, वो टाइम आ चुका भी हिंदू इकट्ठा हो जाए शिवसेना के बैनर। जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान के खासकर पंजाब में चल रहे हैं, उससे तो एक ही एक मकसद है भी हिंदू संगठनों को एक झंडे के तले इकट्ठा होना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह पंजाब में CAA के लोग के लेकर NRC को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा कुछ राजनीतिक पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है, उससे साफ हो चुका है कि मुस्लिम समाज के लोग अपने लिए संविधान एक नहीं संविधान दो चाहते हैं। जैसे कि भारत सरकार के कानून को खुलेआम अवहेलना की जा रही है इन प्रदर्शनों द्वारा, हिंदू समाज को डराया जा रहा है इस प्रदर्शनों द्वारा, जिसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब समय आ चुका है, हम लोग सभी हिंदू संगठनों से अपील करना चाहेंगे कि वो एक झंडे के थले इकट्ठे होकर CA के मुद्दे पे लेकर NRC के मुद्दे पे लेकर आतंकवाद के मुद्दे पे लेकर वोट बैंक की राजनीति के मुद्दे को लेकर एक झंडे तले इकट्ठे हों। वहीं शिवसेना पंजाब में शामिल हुए अमित अरोड़ा ने जहां संजीव घनौली एवं राजीव टंडन का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने पंजाब पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को आड़े हाथों लेकर उनकी उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। वहीं उन्होंने 3 फरवरी 2016 को उनके ऊपर हुए आतंकी हमले पर उल्टा पंजाब के कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें 3rd degree टॉर्चर करने के साथ साथ उन्हें मरवा देने की आशंका भी जाहिर की। वहीं उन्होंने पंजाब पुलिस के पूर्व DGP सुरेश अरोड़ा, मौजूदा DGP दिनकर गुप्ता एवं भारत की प्रमुख नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस का धन्यवाद करने के साथ उन्हें सैल्यूट किया, जिनके द्वारा की गई निष्पक्ष जांच के द्वारा उनके ऊपर हुए आतंकी हमले की सच्चाई को सच साबित कर पंजाब पुलिस खासकर लुधियाना पुलिस के कुछ भ्रष्ट एवं अपनी पीठ थपथपाने वाले अधिकारियों की सच्चाई सामने लाई। जीत समाचार के लिए लुधियाना से ब्यूरो। आज मुझे फिर पंजाब में शिवसेना पंजाब में वापसी की बहुत ही खुशी व्यक्त हुई है कि मैं श्री संजीव घनौली और राजीव टंडन के द्वारा शिवसेना पंजाब में द्वारा शामिल हुआ हूँ। हमारा एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। 3 फरवरी 2016 को मेरे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, उस टाइम सबसे बड़ी नाकामी पंजाब पुलिस की देखो, जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए वाह वाही लूटने के लिए। कुछ पुलिस के चंद अफसर जिनको बड़ी खुशी व्यक्त होती थी अपनी DGP साहब के सामने वाह वाही लूटने के लिए, मैं DGP मान लू DGP साहब से ये पूछता हूँ, क्या आपकी एजेंसियाँ भी फेल हो गई थी? क्या मुझे इतना सताया गया, इतना तड़फाया गया, एजेंसियाँ आपकी नाकाम हो चुकी थी कि आपने जो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिए, फिर आप फिर कुछ पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर मानयोग दिनकर गुप्ता जी, सुरेश अरोड़ा जी, जिनकी वजह से मुझे इंसाफ मिला, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी जिन्होंने प्रेस करके मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रेस करके मुझे बेबुनियाद घोषित किया, और मैं मानयोग NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो मेरी जिंदगी सवर गई कि मुझे पता लग गया कि दुख के टाइम कौन साथ खड़ता है, कौन भागता है, पर मैं
सबसे बड़ा दुख मेरे में यही रहेगा कि मेरा जो परिवार खराब हो गया इस मैटर में, ना तो कभी वो मुझे मिल सकता है ना कभी मिलेगा। बहुत जोर लगाया मैंने, बहुत जोर पंजाब पुलिस ने भी लगाया, मेरी सपोर्ट की उन्होंने बहुत ज़्यादा, कुछ सीनियर अफसरों ने इस लेने के लिए, पर दुख मुझे बहुत व्यक्त हुआ कि जो मेरा परिवार खराब हो गया। मेरे साथ मेरे अनुराग पंडित जी जिन्होंने भाई मेरे, इन्होंने भी बहुत ही दुख सहे हैं, ताकि इनका भी केस में से कुछ लेना देना नहीं है। मैं माननीय DGP साहब से ये मांग करता हूँ कि कम से कम अगर हमने दुख देखा है, आपने हमें संताप दिया है, तो हमारी कुछ मांगे हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी की जाएं, ताकि मुझे कोई दुख ना हो इस बात का कि मैंने आपके तजिए सहे हैं। आपको लगता है जब 2016 में आपका ये कांड हुआ था, उस वक्त CP साहब ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे अपनी वाहवाही लूटने, अगर NIA ना होगी तो क्या आपको इंसाफ ना मिलता? मैं मानयोग NIA का भारत सरकार एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी बदौलत मुझे इंसाफ मिला है। पर मानयोग कुछ पंजाब पुलिस के ऐसे सीनियर ऑफिसर जैसे दिनकर गुप्ता जी DGP पंजाब, ADGP इंटेलिजेंस अमित प्रसाद जी, ऐसे बहुत ही जाबांज अफसर जिनको मैं दिल से सलूट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे केस को ओपन किया, सुरेश अरोड़ा जी, मैं उनको भी, हरदीप सिंह ढिल्लों जी, मैं उनको भी बहुत ही दिल से मान सम्मान करता हूँ कि जिनकी वजह से मेरा बचाव हुआ। और कुछ नीचे अपनी वाह वाही लूटने वाले अफसर जिन्होंने गोली को ही सरिया बना दिया, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सरिया आप लोग कहाँ से लाए थे? क्या माननीय DGP साहब पंजाब पुलिस आप इनसे पूछोगे कि ये नकली सरिया कहाँ से बनाया था? ये कह रहे थे सिलेंडर कहाँ से लाया, ये कह रहे थे चूल्हा कहाँ से लाया, क्या मैं गाड़ी में सिलेंडर चूल्हे लेके घूमता हूँ? एक हिंदू होने का क्या हमें यही संताप भोगना पड़ेगा? मैं कट्टर हिंदू हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ ना मैं किसी से डरूंगा। शिवसेना पंजाब च अज दोबारा तो शामिल होया, बहुत ही खुशी है मैनू। खुशी के नाल मेरे भरा की तुसी सारी गल सुनी है, 2016 दे विच जो इन्हां ते अत्तवादी अटैक होया सी, वह अत्तवादी अटैक होने तो बाद साडे भरा की जिहड़ी जिंदगी है वह बिल्कुल ही प्रशासन ने इन्नी कि निकम्मी बनाती, वह सारे पंजाब पूरे इंडिया च पता कि जिहड़ा केस जो इन्हां ते अटैक होया सी वह इन्हां ते ही झूठा इन्हां ते ही करता कि इन्होंने आप खुद ते अटैक कराया। वो अटैक कराते खुद के इल्जाम लाने तो बाद इन्हों का घर परिवार खराब हो गया। और मैं प्रशासन ये पूछना चाहना कि हूँ तो चलो साबित हो गया कि यह अटैक किने किता सी, एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स वालों अटैक होया सी, साबित हो गया कुछ चंद अफसर जिन्होंने ये सारा ही छानबीन करके NIA टीम जो भारत की बहुत ही वधिया एजेंसी है उन्हें इस चीज़ का खुलासा किया। पर अज की डेट के भी पंजाब सरकार मेरे वड्डे भरा अमित अरोड़ा नूं अज भी मराना चाहती है। उहदा रीजन यह है कि अज की डेट के पूरे पंजाब च सब तो वध थ्रैट ते होने के बावजूद भी अज भी प्रशासन ने इन्हां दी सिक्योरिटी का कुछ भी प्रबंध नहीं किया। क्यों कि यह जान बुझ के जिहड़े कुछ चंद अफसर है जिन्होंने इन्हां दे झूठा केस दर्ज किया सी कि उहनां ते यह कोई कार्रवाई ना कर पाण कि यह इदां ही दोबारा इन्हां ते अटैक होवे मर जाए, क्योंकि सिक्योरिटी बिल्कुल भी ना मात्र के बराबर है। और अज मैं प्रशासन को यह मंग करदा कि चलो जो पिछले समय के इन्हां दे माड़ा टाइम कह दो जो भी मर्जी कह लो, पर अज प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इन्हां दी सिक्योरिटी का खास प्रबंध किया जाए कि दोबारा इदां दा अटैक ना हो। जीत समाचार के लिए लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट।